नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विथ एके में। दोस्तों आज हम लोग एयर सर्किट ब्रेकर को रैक आउट कैसे कहते हैं, रैक इन कैसे करते हैं और उसको ओपन और क्लोज कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ये हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है जिसकी रेटिंग दी हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे 4000 एम्पियर है और ये उसका हैंडल है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्प्रिंग इस टाइम डिस्चार्ज है और ये रेडी का यहाँ पर सिग्नल दिखाता है कि ब्रेकर रेडी है कि नहीं और ये कॉन्टैक्ट दिखा रहा है, अभी ओपन दिखा रहा है और ये हमारा ओपन का पुश बटन है और ये हमारा क्लोज का पुश बटन है और ये सारी इसकी सेटिंग है और ये हमारा हैंडल है जिससे हम कि रैक आउट और रैक इन करते हैं और यहाँ पर हमारा इसका इंडिकेशन आता है कि अभी किस पोजीशन में है ब्रेकर हमारा। जैसे अगर कनेक्ट होगा बस बार के साथ तो यहाँ पर ये वाइट वाला पहुँच जाता है और अभी डिस्कनेक्ट है तो इसलिए ये इसके सामने है। तो ये हमारा पूरा एयर सर्किट ब्रेकर है जो कि अभी रैकआउट कंडीशन में है। ये देख रहे होंगे आप बाहर है, इसको रैकआउट बोलते हैं। जब ये अंदर होता है तो इसको रैक इन बोलते हैं। तो अभी ये रैकआउट कंडीशन में है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रैक इन कैसे करते हैं इसको। तो ये हमारा हैंडल है, आपको पहले बता दिया, यहाँ पर ये सारा इसका इंडिकेशन और वो दिया हुआ है कि आप किस तरीके से इसको रैक आउट और रैक इन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको पुश करेंगे हैंडल निकालने के लिए और ये पकड़ेंगे, उसके बाद ये बाहर आएगा और यहाँ से ये हमारा एक स्विच है, इसको ऊपर करेंगे तो ये पूरा हैंडल हमारा बाहर आ जाता है। अब हम ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है कि ये डिस्कनेक्ट था बस बार के साथ, रैक आउट था, इसको हम इस तरीके से रैक इन करेंगे तो ये जो हमारा सिंबल है ये ऊपर धीरे धीरे जाने लगता है और जब ये कनेक्ट हो जाएगा बस बार के साथ तो वो कनेक्ट पोजीशन पे ये पहुँच जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रैक इन करते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे ये अंदर जा रहा है बस बार से कनेक्ट होने के लिए और ये पूरा यहाँ पर पहुँच चुका है। ये लास्ट में थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, ये अपने आप रुक जाएगा जब ये अपनी पूरी पोजीशन पे पहुँच जाएगा। तो ये देखिए इस टाइम पे ये ऊपर पहुँच चुका है, हमारा कनेक्ट पोजीशन में आ चुका है। अब ये हैंडल को हम लोग इसके अंदर ये एक स्विच है, इसको पुश करते हैं और हैंडल को धीरे धीरे अंदर लेने लगते हैं। इस तरीके से ये हैंडल पूरा अंदर चला जाता है। अब हमको स्प्रिंग चार्ज करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग अभी डिस्चार्ज पोजीशन में है तो स्प्रिंग इस तरीके से चार्ज होती है। पूरा इसको नीचे लेते हैं इस तरीके से, जब ये स्प्रिंग पूरी चार्ज हो जाती है तो फिर ये फ्री हो जाता है हैंडल। इस तरीके से आवाज़ आती है और ये स्प्रिंग इस टाइम पे चार्ज हो गई, यहाँ पर आपको लिख के आ गया है चार्ज। तो अब हम अगर ब्रेकर को क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, इस तरीके से आवाज़ आएगी और ये हमारा ब्रेकर क्लोज हो गया। अब जब हम इसको दोबारा रैक आउट करना होगा तो ब्रेकर को ओपन करेंगे ओपन पुश बटन से इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये स्प्रिंग डिस्चार्ज लिख के आ गया और यहाँ पर ये ओपन का इंडिकेशन आ गया है। अब हमको जब इसको रैक आउट करना है तो दोबारा से इसको प्रेस करेंगे, ये इसके अंदर से निकलता है और इस तरीके से हैंडल को पूरा बाहर निकाल लेते हैं ये दबा के और दोबारा हम जब इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये हमारा ब्रेकर धीरे धीरे करके यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये हमारी रैक आउट पोजीशन है और ये इंडिकेशन आप देखेंगे धीरे धीरे ये कनेक्ट से डिसकनेक्ट की तरफ जा रहा है। इस तरीके से ये जब पूरा बाहर आ जाएगा तो वो डिस्कनेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, इस तरीके से ये बाहर आ गया। अब दोबारा हमको हैंडल को अंदर करना है तो यहाँ पर ये हमारा जो एक स्विच है उसको दबाएंगे और धीरे धीरे ये हमारा जो हैंडल है अंदर चला जाएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये फंस रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा अब अंदर चला जाएगा।
तो ये हमारा हैंडल अंदर चला गया और ये ब्रेकर अभी रेकआउट की पोजीशन पे है। तो अगर आपको इसी तरीके का और भी वीडियो देखने हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।